नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, माय फाइनेंसेस, माय एंटरटेनमेंट विच इज़ गेमिंग, मूवी रिव्यूज़ एंड मेनी थिंग्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले, बॉस आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम कंपेयर करने वाले डू एपिक्सेट बाय अंकुर वारी को, जो उनकी पहली बुक थी, डेब्यूट बुक थी नहीं, एंड उनकी दूसरी बुक गेट एपिक्सेट डन। इन दोनों बुक्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, दोनों बुक्स के रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देख सकते हैं अलग वीडियोज़ में, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगा। एंड डू एपिक्सेट से मैंने जो लर्निंग सीखी है वो भी मैंने एक वीडियो में बताई है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड साथ में इस बुक से, डू एपिक्सेट से, जो फाइनेंशियल लर्निंग्स, तो जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने सीखी थी, वो मैंने इन्फिनिट फाइनेंशियल अकेडमी के चैनल पर डाली है, वहाँ पर वो मौजूद है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब आई थिंक टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम डू एपिक्सेट उस वीडियो का टाइटल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड मेरे चैनल पे जो वीडियो है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो जो वीडियो मेरे चैनल पे लाइफ से रिलेटेड जो भी लर्निंग्स है वो मैंने अपने वीडियो में शेयर की है, एंड फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें आपको इन्फिनिट फाइनेंशियल अकेडमी के चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉस डू एपिक्सेट इस बुक के बारे में। बहुत छोटी सी बुक है, पेपर बैक के फॉर्म में नहीं है, ये है हार्ड बैक के फॉर्म में। एंड मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मैं अंकुर वारी को जी के वीडियोस नहीं देखता था, तो मुझे इतना पता नहीं था कि वो क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या करते हैं। बट मैंने जब ये बुक पढ़ी तब से मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो पहले जाके उनको सब्सक्राइब करो, उसके बाद यहाँ पर आओ, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं। सही बोल रहा हूँ। एंड इस बुक में मैं कहना चाहूँगा, इसका पहले तो राइटिंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। मैंने रिव्यू वीडियो में भी इसके कहा है कि जो जिस तरह से लिखी गई ना, ऐसा लगता है कि अंकुर वारिकू जी हमसे बात कर रहे, रीडर से। तो वो तो सबसे पहली बात अमेजिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, एक हार्टफुल रीड है, पढ़ने में मज़ा आता है आपको। एंड उन्होंने इस बुक में अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, अबाउट हैबिट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी, रिलेशनशिप, मैनी थिंग्स, एंड बहुत सारे कोट्स भी है इसमें जो बहुत ही वैल्यूबल कोट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, स्पेशली उनके लिए है जो अभी स्टार्ट करने वाली करियर। मैं बेसिकली कहना चाहूँगा एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टाइप की बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है, रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने इसको आई थिंक 5 out of 5 stars दिए थे, बिकॉज मैंने कुछ ही दिन पहले वो वीडियो देखा है, तो 5 out of 5 stars दिए हैं डू एपिक्सेट को, तो इसको तो रीड करें ही। एंड मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक ब्रॉड विजन से बात की गई है सभी चीज़ों के बारे में, एक मतलब जनरल चीज़ें हैं, एंड जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें शेयर की हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने की है वो भी सारी चीज़ें शेयर की है, सक्सेस फेलियर के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई है, एंड उन्होंने अपनी कहानी भी बताई है। मज़ा आता है बॉस बुक पढ़ने में, एंड मैंने इसको 5 out of 5 stars दे दिए हैं, आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो रेकमेंड तो ज़रूर करूँगा यार, पढ़ लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मज़ा भी आता है एंड सीखने को भी मिलता है, एंड बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। एंड उन्होंने एक्चुअली, मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में इस बुक के लिखा भी, जो मैंने रिव्यू वीडियो में भी बताया है कि इस बुक में जो उन्होंने शेयर किया है ना, वो उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस बुक में लिखा है कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपने मेरे वीडियोस में नहीं देखा है, मेरे कंटेंट में नहीं देखा है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि बहुत ही अलग टाइप की चीज़ होगी कुछ, बट एक बहुत ही अच्छा रिमाइंडर है, एंड बहुत अच्छे वे में रिमाइंडर दिया है सभी चीज़ों के बारे में। तो पढ़ना बिल्कुल है इसको, पढ़ना ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, एंड आसान इंग्लिश में मैं कहना चाहूँगा। मेरे लिए तो आसान थी, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना इंग्लिश जानते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है हर एक पे, बट मेरे लिए तो काफ़ी आसान थी। एंड छोटी सी बुक है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत छोटी सी है, मज़ा आ गया।
एंड भाई अब बात करते हैं गेट एपिक्स डन की। अब ये बुक मैंने ख़रीदी है पेपरबैक के फॉर्म में। काफ़ी बड़ी बुक है, पहले तो आप ये देख सकते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही छोटी सी बुक है डू एपिक शिट, बट बहुत फ़ायदेमंद है, एंड ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। बट मैं कहना चाहूँगा कि डू एपिक शिट में ना एक ब्रॉड विजन से जनरली बात की गई है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि क्या आपको करना चाहिए, क्या उन्होंने सीखा है अंकुर बारिकू जी ने, एंड क्या उनकी सिचुएशंस रही है, क्या उन्होंने सीखा है, ऐसी सारी चीज़ें हैं डू एपिक शिट में जो काफ़ी अच्छे वे में लिखी गई है। एंड गेट एपिक शिट डन में कहना चाहूँगा कि बहुत ही स्पेसिफिक बुक है, अबाउट 36 लाइफ क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ है, जो मैंने रिव्यू वीडियो में कहा है कि स्पेसिफिकली 36 लाइफ क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मुझे ऑलरेडी पता थे, ठीक है। इतना इम्प्रेसिव तो नहीं लगा, बट हाँ जिस तरह से उन्होंने बताया है वो मुझे इम्प्रेसिव लगा, बिकॉज यू नो एक विजुअल फॉर्म में भी दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे कुछ ग्राफ्स इन्होंने शेयर किए, ग्राफ्स बोलिए, कार्टून बोलिए, यू नो जिससे और क्लैरिटी बढ़ती है कि वो कहना क्या चाहते हैं सोल्यूशन के बारे में, वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। एंड जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो संवाद चल रहा है, जो कॉन्वर्जेशन चल रही है, वो भी अच्छा लगा। बट यू नो एक वॉर्म, मतलब एक हार्टफुल रीड नहीं बन पाई गेट एपिक्सिट डन, जबकि डू एपिक्सिट एक हार्टफुल रीड भी थी, एंड मज़ा भी आया, एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इस बुक से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है, बट ये थोड़ी सी ऐसा लगा बोरिंग है, बिकॉज राइटिंग स्टाइल थोड़ा इसमें अलग है एज इन माई ओपिनियन, ठीक है मेरी ओपिनियन है ये दोनों। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है बॉस, ऐसा नहीं कि जो मुझे पता है वो आपको भी पता हो ही, तो इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। 36 लाइफ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए उन्होंने, इस बुक के पीछे भी लिखा है कि डू एपिक शिट ने आपको सोचने पे मजबूर किया है, एंड गेट एपिक शिट ने आपको वो चीज़ें करने में मजबूर करेगी कि ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में उतारनी है अपनी, यू नो हैबिट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस ज़िंदगी में उतारनी है, एंड जो क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने दिए हैं यू नो वो आपको ज़िंदगी में लाने हैं, उनको अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, या फिर जो भी शब्द ले लो, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन इज द की, पता होने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन इज द की। वो जो आप करते हो ना तभी उससे कुछ इम्पैक्ट आता है, कुछ फ़र्क पड़ता है, पता होने से कुछ नहीं होता। एक इन्होंने एक इनका कोट नहीं है या फिर इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहीं से पढ़ा है कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज नो। इतना इम्प्रेसिव है ना कि अगर आप पूछते ही नहीं हो तो उसका आंसर तो ना ही है, उससे अच्छा पूछ लो। अब ये बात मुझे पता नहीं कहाँ से याद आई, बट याद आ गई, बिकॉज वो बहुत इम्पैक्टफुल लाइन थी, एंड मैंने उसके लिए उसके रिलेटेड एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया अपने चैनल पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूँगा, तो वो भी देखना, बहुत ही मज़ा आ गया। एंड सो दोनों ही बुक्स में आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी एक को रेकमेंड करना चाहूँगा, बट पर्सनली मुझे ये बुक पसंद है, और यू नो छोटी सी बुक है, सिंपल सी बुक है, एंड इसका फील भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये हार्ड पैक है तो फील की बात तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये पेपर बैक में है तो इसका फील तो अलग होगा ही। एंड साथ में मुझे यू नो कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ऐसा लगा, ऐसे ये सिली बातें कर रहा हूँ मैं, बट दोनों का कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ये ब्राइट लगता है बहुत, यू नो तो पर्सनली मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा यू नो जनरल है, मतलब काफ़ी सुनी हुई चीज़ें हैं, यू नो ऐसा आदत कैसे लगवानी है खुद को, तो 21 दिन के लिए वो करते रहो एंड आदत लग जाएगी, वैसी सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी ज़्यादा जनरल है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो मैं तो ये रेकमेंड करना चाहूँगा पहले, उसके बाद ये, एंड उसके बाद जियो। तो यही था भाई कंपैरिजन, एंड दोनों का रिव्यू वीडियोस आप देख सकते हैं, दोनों को मैंने स्टार्स दिए हैं, तो डू एपिक शिट को आई थिंक मुझे याद है मैंने 5 स्टार्स दिए हैं, एंड गेट एपिक शिट डन को मैंने 4 स्टार्स दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड दोनों बुक्स को आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन की, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनके प्राइजेस, एंड आप इन्हें बाय कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों ने बाय की होगी मुझे पता है, बट फिर भी जिन लोगों ने बाय नहीं की है पढ़ो यार,
जो एक्सपीरियंस उन्होंने 40 साल की उम्र तक सीखा है ना, वो इस बुक में शेयर किया है, इस बुक में भी शेयर किया है। तो अगर आप वो ये सारी चीज़ें ना 20 साल की उम्र में पढ़ लेते हो और उसको अप्लाई कर देते हो ना, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हो। सही बोल रहा हूँ? तो इम्पोर्टेंट है दोनों बुक को पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात है नहीं, बट मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, मेरे दिल के बहुत करीब है, फ़िलहाल तो ये माइक के बहुत करीब है। यू नो, मज़ा आ गया था इस बुक को पढ़ने में, बस यही कहना चाहूँगा। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, वरना आप लोग बोलने लगोगे कि यही प्रमोशन कर रहा है, डू एपिसिटी खरीदो खरीदो। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, ठीक है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।